यस डियर स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करना है स्टैटिस्टिक्स लेक्चर नंबर 3। और लास्ट हम आपको छोड़े थे पर्सनल इंटरव्यू के समय पर। तो पर्सनल इंटरव्यू क्या होता है? और दोस्त, उससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अपने दोस्तों को बताइएगा, बहुत सारे नेशनल लेवल पे टीचर्स जो कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। इंस्टीट्यूट का मटेरियल देखो, हम और आप पढ़ रहे हैं, आई गेस कि बहुत मज़ा आ रहा है। और इंस्टीट्यूट के मटेरियल को कुछ फैकल्टीज़ बोलते हैं बेकार है, कूड़ा है, इसको फेंक दो, अरे इसको पढ़ोगे तो उल्टी आएगी, ये इतना गंदा है, मैं जो आपको दे रहा हूँ वो अच्छा है। ये एक षड्यंत्र है, एक कॉन्स्पिरेसी है, एक ट्रैप है। ऐसा क्यों करते हैं वो फैकल्टीज़? क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उनको सलामी दो। ये बेवकूफ़ी है। अगर आप लोग फंस रहे हो इस ट्रैप पे तो ये एकदम बेवकूफ़ी है। ये प्लीज़ इससे निकलो। क्यों बेवकूफ़ी है? क्योंकि 100% मटेरियल को 60% करके देते हैं वो आपको, और आप स्टूडेंट्स लोग उसको 60% कर देते हो, तो कुल मिला के नंबर आपका आता है 36%। तो ये एक ट्रैप है। ये ऐसा क्यों करते हैं 60%? क्योंकि इनको ICAI का मटेरियल को फेंकना होता है। 60% मटेरियल में ये अपना XYZ नाम डालेंगे, अपना अच्छा सा तस्वीर लगाएंगे, और जब आप पास हो गए तो आपको लगेगा, अरे भाई जो मैं पास हुआ हूँ वह इस टीचर के बदौलत पास हुआ हूँ, अरे सर के मटेरियल में से सब कुछ आ गया। ये मटेरियल जो 60% है ये कहाँ से लिया गया है? वो यहाँ से लिया गया है। और यहाँ से लेने के बाद आपको क्या बोलता है कि इसको देखना भी मत, इसको देखना पाप है। तो क्योंकि आपने आज तक इंस्टीट्यूट का मटेरियल खोला ही नहीं, तो आपको ऐसा लग रहा है कि भाई जो आपके टीचर ने आपको बताया है वही परफेक्ट है। बट हालांकि जो नंबर आपको कमती मिल रहा है, क्योंकि 40% तो मसाला आपको मिला ही नहीं, और इंस्टीट्यूट आपको मार्क्स देता है कीवर्ड्स देखकर, कीवर्ड्स, राइट? सो कीवर्ड्स गायब हो जाते हैं, क्योंकि कीवर्ड्स को सिंप्लीफाई करने के चक्कर में, आपको सिंप्लीफाइड लैंग्वेज देने के चक्कर में वो सिंपल लैंग्वेज लिखकर आते हो, और इंस्टीट्यूट का जो एग्जामिनर है जो पेपर चेक करता है वो कीवर्ड्स खोज रहा होता है, कीवर्ड्स मिलता नहीं है, आपको नंबर कमती मिलते हैं। तो ये छोटा सा बात था, ये मैं समझाना चाहता था। तो ये प्लीज़, ये आप अपने दोस्तों को मित्रों को ज़रूर समझाइए। और उसके बाद बच्चे बोलते हैं कि भाई इंस्टीट्यूट का एग्ज़ाम बहुत डिफ़िकल्ट है, पास नहीं हो पा रहे, 2 अटैम्प्ट हो गया, 4 अटैम्प्ट हो गया, CA का एग्ज़ाम एक दलदल है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये दलदल हम लोग फंस गए हैं, दलदल का क्रिएटर कोई और है। सो अब समय आ गया है कि नहीं, CA इंस्टीट्यूट के मटेरियल को पूरा इज्जत देना चाहिए, जो इज्जत हम दे रहे हैं आप भी दे रहे हो। तो प्लीज़, क्योंकि पूरा दुनिया गलत काम कर रहा है और हम और आप मिलकर सही काम कर रहे हैं, तो ये मत सोचिएगा कि शायद हम लोग गलत कर रहे हैं। अपने ऊपर शक मत लाइएगा प्लीज़। तो मेहनत करिए, सही मेहनत हम लोग कर रहे हैं और इसको करते रहना है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। लास्ट डिस्कशन हम कर रहे थे पर्सनल इंटरव्यू का। और एक कमाल का बात क्या होता है, ये इंस्टीट्यूट के मटेरियल को ही आपको क्लासरूम में नोट्स लिखाया जाएगा, यहीं से काट छाट के आपको नोट्स लिखाया जाएगा, और आप वो जो आप आराम से यहाँ अंडरलाइन करके, हाईलाइट करके मार्क कर सकते हो, राइट? यू जस्ट मार्क दिस इंपॉर्टेंट, रीड इट। जो लिखा हुआ चीज़ है उसको दोबारा से लिखेंगे, फिर नोट्स बुक बनेगा, फिर उसको पढ़ोगे, और फिर वो नोटबुक का नाम जो है, जो नोट्स आपने बनाया है वो नोट्स ICAI का नोट्स नहीं है, वो नोट्स उस पर्टिकुलर फैकल्टी का नोट्स बन जाता है। सो ये अब आप समझ चुके हो कि हो क्या रहा है। तो दोस्त, इसीलिए मैं सीधा सीधी यही बोल रहा हूँ कि भाई पढ़ाई जो करना है इंस्टीट्यूट का मटेरियल का करना है। मैं क्या हूँ? मैं सिर्फ एक इंटरप्रेटर का काम कर रहा हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग टू इंटरप्रेट द मटीरियल ऑफ ICAI। सो पर्सनल इंटरव्यू तक हम पहुंच चुके थे, आइए आगे स्टार्ट करते हैं। इन पर्सनल इंटरव्यू मेथड द इन्वेस्टिगेटर मीट्स द रिस्पोंडेंट्स डायरेक्टली एंड कलेक्ट्स द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन देन एंड देयर। मतलब वहीं के वहीं जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए हम कलेक्ट कर लेंगे, किनसे? फ्रॉम देम इन केस ऑफ नेचुरल कैलामिटी लाइक सुपर साइक्लोन। अब एक सुपर साइक्लोन आ गया है, बहुत सारे लोग फंस गए हैं, और एन अर्थक्वेक और एन एपिडेमिक लाइक प्लेग, वी मे कलेक्ट द नेसेसरी डेटा मच मोर क्विकली एंड एक्यूरेटली बाई अप्लाइंग दिस मेथड।
तो अपने अगर नोट्स बना रहे थे तो पर्सनल इंटरव्यू मेथड में, पर्सनल इंटरव्यू मेथड, पर्सनल इंटरव्यू मेथड में क्या होता है, डेटा कैन बी कलेक्टेड क्विकली। ठीक है, इफ देर आर सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इन रीचिंग द रिस्पोंडेंट्स डायरेक्टली एज इन द केस ऑफ रेल एक्सीडेंट, वी मे टेक रिकोर्स फॉर कंडक्टिंग इन डायरेक्ट इंटरव्यू वेर द इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट्स नेसेसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पर्संस एसोसिएटेड विद द प्रॉब्लम्स। तो अब रेलवे एक्सीडेंट है तो इनडायरेक्ट मेथड यूज़ कर लेंगे हम लोग, क्योंकि जो इंसान मर गया है, घायल अवस्था में है, ठीक है। तो दूसरा मेथड क्या है, इनडायरेक्ट मेथड रेलवे एक्सीडेंट एग्जांपल के तौर पे। टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम एसोसिएटेड मेंबर्स, क्योंकि डायरेक्ट तो हम ले नहीं सकते हैं, तो एसोसिएटेड मेंबर्स से हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। यहां पर एग्जांपल है साइक्लोन, अर्थक्वेक एटसेट्रा। ठीक है, टेलीफोन इंटरव्यू मेथड इज अ क्विक एंड रादर नॉन एक्सपेंसिव वे टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा वेयर द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन कैन बी गैदर्ड बाय द रिसर्चर हिमसेल्फ बाय कॉन्टैक्टिंग द इंटरव्यूई ओवर द फोन। तो भाई टेलीफोन का मतलब क्या है वो समझाया हुआ, तो आई थिंक इट्स वेरी इजी। द फर्स्ट टू मेथड्स दो मोर एक्यूरेट आर इन एप्लीकेबल फॉर कवरिंग लार्ज एरिया वेयर एज टेलीफोन इंटरव्यू दो लेस कंसिस्टेंट हैज अ वाइड कवरेज। तो अपने ये बोल सकते हैं कि ये दोनों मेथड जो है इस पे वाइड कवरेज तो नहीं है, तो टेलीफोन मेथड आ गया एक, वाइड कवरेज बट नॉट एज एक्यूरेट एज अबव टू मेथड्स। ये मैं जो नोट्स लिखवा रहा हूँ ताकि आपको लास्ट मोमेंट में सिर्फ ये मेन मेन चीज़ पढ़ लेने से अपना रिविजन हो जाएगा। द अमाउंट ऑफ नॉन रिस्पॉन्स इज मैक्सिमम, नॉन रिस्पॉन्स इज मैक्सिमम फ्रॉम दिस थर्ड मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। इसका मतलब नॉन रिस्पॉन्स पर्सनल में करीब एक और कॉलम बना ले, नॉन रिस्पॉन्स, नॉन रिस्पॉन्स वेरी लेस, वेरी लेस, वेरी हाई। ठीक है, नॉन रिस्पॉन्स, क्योंकि यहाँ पर्सनल जब इंटरव्यू लेते तो डायरेक्ट वन टू वन है तो भाई रिस्पॉन्स हाई रहता है। अब फोन पे जब कई बार फोन आता ना तो भाई हम लोग रिस्पॉन्स, अरे यार मैं अभी काम कर रहा हूँ, डिस्टर्ब मत करो। एक और मेथड आया है जिसे कहते हैं मेल्ड क्वेश्चनर मेथड, कंप्राइसेस ऑफ फ्रेमिंग
अ वेल ड्राफ्टेड एंड साउंडली सीक्वेंस्ड क्वेश्चनर कवरिंग ऑल इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम अंडर कंसिडरेशन। अब क्या होगा, मेल किया जाएगा, तो टेलीफोन से भी ज़्यादा स्पीड में ईमेल जाता है, ये तो अपने सबको पता है। एक बटन दबाया सीधा 10,000 लोगों को एक पास मेल चला गया। एंड सेंडिंग देम टू द रिस्पोंडेंट्स विद प्री पेड स्टैम्प आफ्टर प्रोवाइडिंग ऑल द नेसेसरी गाइडलाइंस फॉर फिलिंग अप द क्वेश्चनर। ये प्री पेड स्टैम्प मतलब हो सकता है कि अगर कोई ये क्वेश्चन आंसर करेगा तो शायद उसको कुछ पैसे मिलेंगे, तो ये प्री पेड स्टैम्प है। ये विदेशों में ज़्यादा होता है, हमारे देश में तो कहाँ कोई कोई पैसा देता है। ठीक है। ऑल्दो अ वाइड एरिया कैन बी कवर्ड यूजिंग द मेल्ड क्वेश्चनर मेथड, द अमाउंट ऑफ नॉन रिस्पॉन्स इज लाइकली टू बी मैक्सिमम इन दिस मेथड। तो नॉन रिस्पॉन्स मैक्सिमम किस में होगा, मेल्ड क्वेश्चनर मेथड, मेल्ड क्वेश्चनर मैक्सिमम नॉन रिस्पॉन्स। तो ये मैंने इसलिए लिखवाया क्योंकि एमसीक्यू है, तो एमसीक्यू में अगर कभी कोई क्वेश्चन बना दे कि द नॉन रिस्पॉन्स इज मैक्सिमम इन द फॉलोइंग, तो ये अपने को पता रहेगा कि मेल्ड क्वेश्चनर सिस्टम। ठीक है। तो ये जो आपने नोट किया है, ये अपने को एमसीक्यू को अटेम्प्ट करने में ज़बरदस्त तरीके से सहायता मिलेगा। पर्सनल इंटरव्यू में क्या होता है, इनडायरेक्ट में क्या हो रहा है, टेलीफोन में क्या हो रहा है, मेल्ड क्वेश्चनर में क्या हो रहा है, कितना ईजी है। अगर एक नंबर का कोई सवाल आ जाए तो कम से कम हम लोग इसको आराम से आंसर कर पाएंगे। इन ऑब्जर्वेशन मेथड, इसका मतलब एक और मेथड बाकी रह गया, ऑब्जर्वेशन मेथड। डेटा आर कलेक्टेड एज इन द केस ऑफ ऑब्टेनिंग द डेटा ऑन द हाइट एंड वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। अब इसमें तो भैया ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, जैसे किसी को वेट मशीन में खड़ा किया, देखा कि क्या वेट है तो नोट कर लिया, हाइट मशीन में खड़ा किया, देखा कि क्या हाइट है, नोट कर लिया। तो ये ऑब्जर्वेशन मेथड अलग है एकदम। इसमें क्या होता है, बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और यूजिंग इंस्ट्रूमेंट, तो कोई ना कोई वेट मशीन का इंस्ट्रूमेंट यूज किया। ऑल्दो दिस इज लाइकली टू बी द बेस्ट मेथड फॉर डेटा कलेक्शन, इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, लेबोरियस एंड कवर्स ओनली अ स्मॉल एरिया। तो ये ऑब्जर्वेशन मेथड तो समझ में आ गया कि तो टाइम कंज्यूमिंग है, लेबोरियस एंड इट कवर्स अ स्मॉल एरिया। तो कंपेरेटिवली अगर आपको ये सवाल कर ले कि सबसे स्मॉल एरिया का कवरेज कौन सा मेथड है जिसमें सबसे स्मॉल एरिया कवरेज होगा, ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या हो रहा है, हाइट वेट ये सब को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है, लीस्ट लेस एरिया कवरेज। ठीक है। इन कंपैरिजन टू अबव मेथड्स। ठीक है। सो अब ये पांच मेथड जो है ये अपने को समझ में आ गया। सो पर्सनल इंटरव्यू मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, टेलीफोन मेथड, मेल्ड क्वेश्चनर, ऑब्जर्वेशन मेथड। सो कितना इजी है, कुछ भी सवाल अगर इसमें से आ जाए तो आप लोग आराम से आंसर कर पाओगे, क्योंकि हमने इज्जत दिया है। हो सकता है गैस वर्क से भी आप आंसर कर पाओगे, बट गैस वर्क में अगर गलत करके आओगे तो पछतावा होगा। जितना ज़्यादा कवरेज करेंगे हम लोग इंस्टीट्यूट के मटेरियल का, उतना कॉन्फिडेंस आपका बढ़ते चला जाएगा कि चलो कुछ भी सवाल आया ऐसा करके, अगर समझ लो 5-7 नंबर, ज़्यादा नहीं, लेट्स से अगर 10 मार्क्स का भी अगर एडिशनल क्वेश्चन आया तो 10% का फर्क पड़ जाता है। कहाँ 45 ला रहे थे तो 55 ले आओगे, बुरा से बुरा हालत में भी। सो एक्स्ट्रा मेहनत का एक्स्ट्रा फल ज़रूर मिलेगा दोस्त, तो ये कभी मत सोचिएगा कि ये बेनिफिट नहीं होने वाला। कौन सा कहाँ क्या बेनिफिट आपको किस रूप में मिल जाएगा ये तो एग्ज़ाम हॉल में जाके पता चलेगा। तैयारी पूरा करिए। बोलते हैं द हार्डर आई वर्क द मोर लकियर आई गॉट, किस्मत के लिए बोलते हैं ना किस्मत, लक। जितना ज़्यादा मैं मेहनत किया उतना ज़्यादा लकी होते चला गया। जब मैं कुछ छोड़ के जाऊंगा ही नहीं, जब मैं सारा तैयारी करके जाऊंगा तो क्या मेरे को किस्मत के ऊपर निर्भर होने का दरकार है? मैंने तो सब तैयारी कर लिया तो मेरे को भगवान के सामने हाथ जोड़ने का भी दरकार नहीं है। भगवान जो चैप्टर में छोड़ा हूँ भगवान प्लीज़ प्लीज़ भगवान प्लीज़ मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा, प्लीज़ भगवान उस चैप्टर में से क्वेश्चन नहीं आए भगवान, दरकार क्या भाई? भगवान बोलता है कि तुमको मैंने मेहनत करने के लिए भेजा है,
मेहनत कर नहीं रहे हो और जाके मेरे को रिश्वत दे रहे हो, नहीं नहीं भागो यहाँ से। तो कोई भी भगवान आपका मदद नहीं करने वाला है। अगर आप मेहनत करोगे तो सारे भगवान मेहनत मदद करेंगे। ओके बच्चे तो ऐसे होते हैं, बोला इस बार जीसस क्राइस्ट के पास जाएंगे, लास्ट टाइम गणपति के पास गए तो हेल्प नहीं मिला, इस बार अल्लाह के पास जाएंगे, इस बार गुरु नानक जी के पास जाएंगे, भगवान भी बदल लेते हो आप लोग तुरंत। क्या क्या करते हो यार आप लोग, मेहनत नहीं करेंगे बाकी सब टोटका करेंगे हम लोग। इस बार रेड शर्ट पहन के जाएंगे, इस बार ब्लू शर्ट पहन के जाएंगे, ऑल दिस नॉनसेंस, कम आउट ऑफ दिस सिली थिंग्स। ओके क्वेश्चनर फॉर्म ऑफ डेटा कलेक्शन इज यूज्ड फॉर लार्जर इंक्वायरीज फ्रॉम द पर्सन हुआ सर्वेड। अच्छा तो एक और फॉर्म है क्वेश्चनर फॉर्म, ठीक है। एक तो था मेल्ड क्वेश्चनर, अब ये डायरेक्ट क्वेश्चनर, ठीक है। एन्यूमरेटर्स का मीनिंग बता दिए थे कि जो सेंसस का कलेक्शन करते हैं, एन्यूमरेटर्स कलेक्ट इंफॉर्मेशन डायरेक्टली बाय इंटरव्यूइंग द पर्सन्स हैविंग इंफॉर्मेशन, क्वेश्चंस आर एक्सप्लेन्ड एंड हेंस डेटा इज कलेक्टेड। एन्यूमरेटर मतलब एक इंसान है जो सवाल करेगा, आप उसका जवाब दोगे तो वो क्वेश्चन समझा देता है, आपसे कलेक्शन कर लेता है। तो क्वेश्चनर एंड एन्यूमरेटर, ये दो पॉइंट को आप प्लीज नोट कर लीजिएगा। कहाँ नोट करना है, यहाँ पर जो अपने लिख रहे थे अभी, कहाँ लिख रहे थे यहाँ लिख रहे थे। सो एक और मेथड है क्वेश्चनर, और एक है एन्यूमरेटर। चलिए तो ये अभी बात हम कर रहे थे प्राइमरी डेटा का। अब अपने को अगर कोई डेटा कलेक्ट करके रखा हुआ हो और उसका मदद हम लोग ले लें। अब जैसे अगर मैं बोलूं आपको एक बात, अरे दोस्तों आपको पता है कि इंडिया में जबरदस्त तरीके से डायबिटीज फैल रहा है। अब पूछेंगे सर आपको कैसे पता, आपको कैसे पता, आप क्या पूरा इंडिया घूमे हो, आपको कैसे पता कि इंडिया में डायबिटीज नंबर वन बीमारी हो गया है। अरे भाई WHO। सर व्हाट WHO, हु मतलब क्या होता है सर। अरे हु नहीं भाई, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हु, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भैया बड़ा जबरदस्त रिसर्च करके डेटा कलेक्ट करता है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से इंडिया में डायबिटीज जबरदस्त तरीके से फैल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, मैंने डेटा कलेक्ट नहीं किया बट मैंने डेटा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ले लिया और उस डेटा पे मैं अपने बच्चों को सावधान कर रहा हूँ कि अरे बच्चों WHO का डेटा है, अरे बच्चों एक सर्वे हुआ है, ये सर्वे के अनुसार ये पता चला है, अरे बच्चों ये सर्वे हुआ है पता चला है कि जितने बच्चे CA इंस्टीट्यूट में 60% के ऊपर ला रहे हैं सबके सब ICAI का मटेरियल फॉलो कर रहे हैं, बच्चे सर्वे हुआ है, और जितने बच्चे फेल हो रहे हैं वो ICAI के मटेरियल को डस्टबिन में फेंके हुए, सर्वे हुआ है भैया, मैंने नहीं किया बट जिसने भी किया है उसके हिसाब से ये है। तो ये सब पूरा मतलब क्या है कि ये किसी और का रिपोर्ट लेकर मैं यूज कर रहा हूं, तो उसे कहते हैं सेकेंडरी डेटा, ठीक है जी, सेकेंडरी डेटा। तो सेकेंडरी डेटा कहां से मिलता है, There are many sources of getting secondary data. Some important sources are listed below. International sources like WHO, ILO, IMF, World Bank, etc. जिनको इसका फुल फॉर्म नहीं पता गूगल करके देख लेना। Government sources like statistical abstract by CSO, Indian Agricultural Statistics by the Ministry of Food and Agriculture and so on. Private and quasi-government sources like ISI, ICAR, NCERT, unpublished sources of various research institute, researcher, etc. तो किसी और का रिसर्च जो हो सकता है अनपब्लिश्ड हो, पब्लिश नहीं किया बट मैं एक पर्सनल दोस्त हूँ यार जाके ले लिया, तो जो भी है अल्टीमेटली उसका रिसर्च था मैं ले लिया तो सेकेंडरी डेटा हो गया। आई होप इट इज़ क्लियर।
अब डेटा को स्क्रूटनी करना। स्क्रूटनी मतलब भैया देखो ये जितना भी काम हो रहा है, याद है अपने को, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। अब मेरे को खाना था मलाई रबड़ी विथ पिस्ता आइसक्रीम, भैया अपना फेवरेट है ये। तो मलाई रबड़ी पिस्ता आइसक्रीम में देखो अच्छा मलाई चाहिए, अच्छा मिल्क चाहिए दूध, और ऑफ कोर्स अच्छा पिस्ता चाहिए। अभी अच्छा पिस्ता मतलब ये सब इनपुट है, ये इनपुट सही होगा तो मैं प्रोसेस लगाऊंगा तो ज़बरदस्त तरीका का मलाई पिस्ता आइसक्रीम बन के निकलेगा। तो यहाँ पर इनपुट क्या है? इनपुट है डेटा। स्टैटिस्टिक्स में इनपुट है डेटा। ये डेटा अगर जैसे यहाँ दूध और मलाई बेकार निकले, घटिया निकले, पानी मिलाया हुआ निकले, पिस्ता एकदम थर्ड ग्रेड का निकले, तो क्या आइसक्रीम अच्छा निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो उसी प्रकार से अगर डेटा सही नहीं हो, डेटा गलत हो, तो क्या आउटपुट जो निकलेगा वो सही निकलेगा? अरे नहीं निकलेगा। इतना सिंपल सा तो बात है। तो भैया मैं कहाँ बोल रहा हूँ कॉम्प्लिकेटेड है। मलाई पिस्ता रबड़ी आइसक्रीम का बात किया तो आपको तुरंत समझ में आ गया। हाँ सर, मलाई पिस्ता रबड़ी, हाँ। तो उसी हिसाब से भैया जो डेटा है, डेटा भी मक्खन मलाई वाला होना चाहिए। ये नहीं कि पानी भर का डेटा हो, दूध में पानी, तो भैया कहाँ से बनेगा अच्छा आइसक्रीम? सिंस द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आर मेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। बेटा ये ले कुल्फी, बेटा कुल्फी मलाई वाला बेटा। तो भैया ये बेटा नहीं है, डेटा है, और ये डेटा अच्छा नहीं है, घटिया है, तो घटिया डेटा का रिजल्ट भी घटिया निकलेगा। बात क्लियर? तो स्क्रूटनी करना है। स्क्रूटनी मतलब जांच पड़ताल करना है, देखना है कि ये दूध सही है या पानी वाला दूध है या मिलावट है। तो डेटा का भी मिलावट चेक करना है। इट इज नेसेसरी टू चेक वेदर द डेटा अंडर कंसिडरेशन। अंडर कंसिडरेशन मतलब जो डेटा को भी हम कंसिडर कर रहे हैं, अरे भैया ये जो दूध है, द मिल्क अंडर कंसिडरेशन, इस दूध से हमने बनाया था आइसक्रीम, तो इस दूध का जांच किया जाए जिससे बना है ये घटिया आइसक्रीम, जिसको खाते के साथ मैं बेहोश हो गया। तो डेटा अंडर कंसिडरेशन आर एक्यूरेट एंड वेल एज कंसिस्टेंस। नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स कैन बी रिकमेंडेड फॉर द स्क्रूटनी ऑफ डेटा। अब यार अलग अलग रूल नहीं बनता। अब हमारी दादी माँ बोला, अरे क्या रूल रूल कर रहे हो, एक चम्मच दूध हमको चखा दो अभी बता देंगे इसमें कितना पानी है और ये कितना बासी अभी बता देंगे हम। तो दादी माँ का एक्सपीरियंस, तो कोई फिक्स रूल नहीं है भाई। कोई एक्सपीरियंस आदमी है तो एक्सपीरियंस से बता देता है, और किसी ना किसी करीब तरीके से हम लोग चेक कर लेते हैं कि भाई ये गड़बड़ है यहाँ पर। सो क्या लगाना है अगर किसी डेटा को स्क्रूटनाइज करना है? तो दादी माँ ने क्या लगाया? दादी माँ ने लगाया अपना बुद्धि। दादी माँ ने बोला, ठीक है बेटा कोई बात नहीं, इस दूध को टेस्ट करना है तो दूध का बेटा हम लोग बनाएंगे दही। और दादी माँ, दूध का दही बनने में तो समय लगेगा। अरे तो बेटुआ समय लगने दो ना, तभी तो पता चलेगा कि ये दूध कितना असली है, या दूध का बनेगा छेना। भैया देखो एक रूल्स होता है कि 1 किलो दूध पे समझ लो अगर 300 ग्राम छेना बनना चाहिए और छेना बना है 100 ग्राम, तो इसका मतलब ये 1 किलो दूध नहीं था, इसमें सिर्फ था 300 ग्राम या 300 ml दूध और 700 ml पानी। तो देखो दादी माँ ने अपने पेशेंस से, सूझबूझ से बता दिया इसमें कि कितना दूध और कितना पानी था, क्योंकि हमने निकाला दूध का छेना, और छेना निकलना चाहिए था 1 किलो प्योर दूध का 300 ग्राम, पर छेना निकला सिर्फ 100 ग्राम। बोले सर आप क्या क्या एग्जाम्पल देते, हलवाई के यहाँ काम किए थे क्या? अरे यस, हलवाई के यहाँ काम नहीं किया बट करना चाहूँगा, क्या दिक्कत है भाई? हलवाई के यहाँ काम करो, दूध दही मक्खन मलाई खाओ। ओके, सो स्क्रूटनी करना है डेटा का। सो डेटा का स्क्रूटनी करने के लिए वन मस्ट अप्लाई हिज इंटेलिजेंस, बुद्धि जैसे हमारी दादी माँ ने लगाया, पेशेंस एंड एक्सपीरियंस वाइल स्क्रूटनाइजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। समझ में आया मेरे बेटे? हाँ सर समझ में आया, ठीक है। सो एरर्स इन द डेटा, डेटा में कोई भी प्रकार का अगर एरर है, एरर एरर मतलब गलती, एरर इन डेटा में क्रीप इन वाइल राइटिंग और कॉपिंग द आंसर ऑन द पार्ट
ऑफ द एन्यूमरेटर, मतलब एन्यूमरेटर जब सवाल जवाब कर रहा है, हो सकता है कि भाई कहीं गलत आंसर टिक कर दिया हो, तो हो ही सकता है, गलती तो होता ही है। और अगर ऐसा कुछ गलती है, अब जैसे वेट का कॉलम में उसने हाइट लिख दिया, तो समझ में आ जाता है कि यार ये इंचेस लिखा है, ये 5 फीट 6 इंच लिख रखा है और ये वेट का कॉलम में लिख रखा है, तो ये 5 फीट 6 इंच वेट तो हो नहीं सकता है, तो समझ में आ जाता कभी कभी। सो क्या है, एन्यूमरेटर साहब ने कुछ गलती कर दिया। अ कीन ऑब्जर्वर, अब देखो उसने गलती किया, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मेरे को समझ में आ रहा है भैया, मैं समझदार हूँ मैं, अच्छा कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बट तुमने गलती किया, मैं गलती को सुधार लूंगा। अ कीन ऑब्जर्वर कैन ईजली डिटेक्ट दैट टाइप ऑफ एरर। अगेन देयर मे बी टू और मोर सीरीज ऑफ फिगर्स विच आर इन सम वे और अदर रिलेटेड टू ईच अदर, कुछ कुछ रिलेटेड होता ना। इफ द डेटा फॉर ऑल द सीरीज आर प्रोवाइडेड दे मे बी चेक्ड फॉर इंटरनल कंसिस्टेंसी, तो सारा डेटा को हमने मिला मुलू के चेक कर लिया। एज एन एग्जाम्पल, इफ द डेटा फॉर पॉपुलेशन एरिया एंड डेंसिटी फॉर सम प्लेसेज आर गिवन, मतलब पॉपुलेशन एरिया एंड डेंसिटी, अरे तो पैडमैन बन गया भाई, ठीक है, तो पैडमैन का अगर डेटा दिया हुआ हो, ठीक है, अब सर पैड है मैन कैसे बोल रहे, अरे देखो पॉपुलेशन का बात हो रहा है, तो पॉपुलेशन में मैन वुमेन चिल्ड्रन सब आता ना, तो ठीक है पैड मैन पैड वुमेन पैड चिल्ड्रन, ओके। सो पॉपुलेशन एरिया डेंसिटी तीनों का डेटा को मिलाना है, देखना है, देन वी मे वेरीफाई वेदर दे आर इंटरनली कंसिस्टेंट बाय एग्जामिनिंग वेदर द रिलेशन। डेंसिटी का एक फॉर्मूला है, डेंसिटी जो है, डेंसिटी का फॉर्मूला है क्या है, वो एरिया बाय पॉपुलेशन। तो ये अगर कहीं कुछ गलत है तो ये फॉर्मूला लगा के चेक किया जा सकता है क्या, नहीं, हाँ जी किया जा सकता है, तो इतना सा बात है, कर लेंगे जी कर लेंगे, समझदार हो गए हम लोग सर, स्क्रूटनी कर लिया डेटा का, डेटा को चेक भी कर लिए, वेरी गुड। अरे भैया देखो ऐसा है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो तो उस सब्जेक्ट के अंदर पूरा एकदम रम जाओ। अभी हम लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, तो अब ऐसा करना होगा कि जैसे हमसे बड़ा तो दुनिया में कोई स्टैटिस्टिशियन पैदा ही नहीं हुआ, ठीक से तो सर स्टैटिस्टिशियन तो ठीक से बोलिए, अच्छा भैया गलती हो गया, दुनिया में हमसे बड़ा स्टैटिस्टिशियन कोई पैदा ही नहीं हुआ है, अब ठीक है चलो ठीक है भाई, तो आइए आगे देखते हैं। हमसे बड़ा स्टैटिस्टिशियन, अ गुड स्टैटिस्टिशियन कैन ऑल्सो डिटेक्ट whether the returns submitted by some enumerators are exactly of the same type, thereby implying the lack of seriousness on the part of the enumerator. अरे अच्छा चीटिंग करते हो, सारा डेटा एक ही जैसा लिख दिया, हम बुड़वक है क्या, समझते नहीं है कि तुमको एक फॉर्म पे हम 10 रुपया दे रहे थे, बट ईमानदारी का ना दे रहे थे, अपने आप ही फॉर्म भर दिए, हमको नहीं समझ में आ रहा है, हम एक गुड स्टैटिस्टिशियन हैं भैया, हम समझ गए तुम सब चोरी की हो गड़बड़ की हो, तो गुड स्टैटिस्टिशियन पकड़ में आ जाता है, लैक ऑफ सीरियसनेस ऑन द पार्ट ऑफ एन्यूमरेटर, द बायस ऑफ द एन्यूमरेटर ऑल्सो मे बी रिफ्लेक्टेड बाई द रिटर्न सबमिटेड बाई हिम, दिस टाइप ऑफ एरर कैन बी रेक्टिफाइड By asking the enumerators to collect the data for the disputed cases once again. सुनो, वापस से जाओ और ठीक से डेटा कलेक्ट करके आओ। हमको बेवकूफ समझते हो, हम बहुत पुराने स्टैटिस्टिशियन हैं, 25 साल का अनुभव है हमको, ये जो तुम बनाए हो ना ये हो ही नहीं सकता, जाओ फिर से जाओ, एक काम करना इस पर वीडियो बना के लाना, ये तुम लिख रहे हो ना हाइट वेट इतना ये जाओ उस परिवार का तुम वीडियो बनाओगे, हमको भरोसा नहीं है तुम्हारे ऊपर। तो चलो यहाँ तक मामला क्लियर, तो अभी हमने क्या पढ़ा है, कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा पढ़ लिया, ठीक है, सेकेंडरी डेटा का भी सोर्स समझ लिया और स्क्रूटनी भी समझ लिया। अब वक्त आ गया है, वक्त आ गया है, हमने बाजार गए, हम बाजार गए, बाजार से हम आलू खरीदे, बाजार से हम शिमला मिर्चा खरीदे, बाजार से हम पाव भाजी का मसाला खरीदे, अब समय आ गया है पाव भाजी बना के प्रेजेंटेशन करने का, तो वही बाजार हम गए, एन्यूमरेटर को भेजें, तरह तरह का इंफॉर्मेशन लिए, काहे लिए भाई,
अरे इन्फॉर्मेशन इसलिए लिए ताकि उस इन्फॉर्मेशन को हम सजा के प्रेजेंट कर सके। प्रेजेंट, बबलू तिवारी प्रेजेंट सर, अनामिका खन्ना प्रेजेंट मैम। अरे ये वो प्रेजेंट का बात नहीं कर रहे हैं भाई, प्रेजेंटेशन का बात कर रहे हैं। समझते नहीं हो तुम लोग यार, प्रेजेंट एंड प्रेजेंटेशन को एक ही समझ लियो। डेटा को सजाएंगे, प्रेजेंटेशन मतलब डेटा को सजाएंगे, अच्छे तरीके से सजाएंगे। सजाने का भी कई तरीका है, समझे? जैसे आप अपने आप को सजाते नहीं हो क्या, बताइए तो। अरे कभी कभी आप अपने आप को वेस्टर्न कपड़ा पहनते हो कि नहीं, बताओ तो। कभी कभी इंडियन पहनते हो कि नहीं, इंडियन में कभी साड़ी पहनते हो कि नहीं, कभी सलवार पहनते हो कि नहीं, कभी टी शर्ट पहनते हो, कभी जीन्स पहनते हो, कभी फॉर्मल पहनते हो, कभी जूता पहनते हो, कभी चप्पल पहनते हो, क्या कर रहे हो भाई? कभी लिपस्टिक लगा रहे हो, कभी पाउडर लगा रहे हो, कभी हेयर स्टाइल चेंज कर रहे हो। दिस इज द वे यू आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ। तो प्रेजेंटेशन के भैया कई नियम होते हैं, कई अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है। डेटा वही, इंसान वही। आज देखो तुम्हें धोती कुर्ता पहन के आया, देखो तुम्हें कैसा लगता। आज मैं पैंट शर्ट पहन के आया, देखो मैं कैसा लगता। आज मैं साउथ इंडियन बन के आया, देखो ना मैं कैसा लगता। तो अपना अपना स्टाइल है। तो प्रेजेंटेशन का बात कर रहे हैं। चलिए, ये बीच बीच में ये जो मैं बकवास करता हूँ आप लोगों के साथ, उसका वजह है मेरे दोस्त, आपके दिमाग को सेटल करने के लिए। क्योंकि जो भारी भारी बातें हमने किया, उस भारी भारी बातों को दिमाग में सेटल होने के लिए वक्त लगता जी। अगर मैं कंटिन्यूटी के साथ पढ़ाते चला गया, पढ़ाते चला गया, पढ़ाते चला गया, तो आपको लगेगा कि अरे भैया कितना बोरिंग टीचर जी, इतना बोरिंग सर पढ़ाता जी, कितना पढ़ेगा मैं, ये स्टैटिस्टिशियन नहीं बनने का जी, मैं शॉर्टकट में जाता जी, इतना पढ़ाई नहीं करने का जेई भाई। बट मेरे को तो पूरा पढ़ाई कराने का ना, तो इसीलिए घुमा फिरा के आपके दिमाग को सेटल करता हूँ। और वैसे भी मैंने आपको रिक्वेस्ट किया है, याद है या नहीं आपको, मैंने कहा है कि 9 मिनट 10 मिनट मैक्सिमम मेरी बोलती बंद करा सकते हो आप लोग, आपके पास पावर है। प्लीज सर, प्लीज खामोश हो जा भाई, बहुत बोल लिया तू। पॉज बटन दबाने का, ठंडा पानी पीने का, दूध मक्खन मलाई आइसक्रीम खाने का, चाय पीने का, चाय अच्छा चीज़ नहीं है मत पीने का, जूस पियो, फल खाओ, दिमाग का संतुलन को ठीक रखो। और अगर कुछ बच्चे दिल लगा के बैठे हैं, प्यार में हैं, तो अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज करो, हे मैं 15 मिनट पढ़ लिया सर का, थोड़ा गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, हेलो हेलो करो, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ओके, परफेक्ट। और जिन बच्चों का नहीं है, दे आर मोर लकी, क्योंकि गर्लफ्रेंड्स एंड बॉयफ्रेंड्स इज सिंपली अ डिस्ट्रैक्शन, ट्रस्ट मी ऑन दैट, आई मैं एकदम एक्सपीरियंस के साथ बोलता हूँ, ठीक है? तो ये डिस्ट्रैक्शन से निकलो, अच्छा पढ़ाई करो, CAVA बन जाओ, पैसा वैसा कमा लो, उसके बाद आशिकी करो, अपनी गर्लफ्रेंड को बीवी बनाओ और जिंदगी भर उसको गर्लफ्रेंड की तरह ट्रीट करो, तो देखो एकदम झकास मैरिड लाइफ होगा।
ठीक है, आगे चले। दिमाग सेटल हुआ आपका? प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का बात करना है। डेटा प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन में भैया आप अपना प्रेजेंटेशन अच्छा रखिएगा, कहीं अच्छे जगह जाओ तो अपने आप को वेल प्रेजेंट करिए। ओके, देन ओनली यू विल बी एबल टू इम्प्रेस द अदर पार्टी। और सिर्फ तन का प्रेजेंटेशन पे नहीं चलेगा भाई, मन का प्रेजेंटेशन को भी सुधारना होगा। तन का प्रेजेंटेशन, मन का प्रेजेंटेशन, बुद्धि का प्रेजेंटेशन, विचार का प्रेजेंटेशन, दीज ऑल थिंग्स मैटर अलॉट। कितना बोलते हैं सर आप, थकते नहीं है क्या? अरे थकते तो हैं भाई। चलो, वंस द डेटा इज कलेक्टेड, डेटा को हमने कलेक्ट कर लिया, डेटा को हमने वेरीफाई कर लिया, ठीक है। क्योंकि भैया देखो, प्रोसेस में लगाने से पहले वही दूध वाला बात कि दूध को चेक कर लो भैया, रेफ्रिजरेटर में रखोगे, हाँ आइसक्रीम घटिया निकलेगा क्या फ़ायदा, इतना प्रोसेस लगेगा, तो पहले वेरीफाई कर लो। सो दूध कलेक्ट किया, अरे दूध नहीं डेटा, सॉरी, क्या करें, मिक्स हो जाता है यार दूध, आइसक्रीम, मक्खन, मलाई। सो वंस द डेटा इज कलेक्टेड एंड वेरीफाइड फॉर देयर होमोजीनियटी, ये होमोजीनियटी कितना बार आता है, होमोजीनियटी मतलब एकदम सही है कि नहीं, ये नहीं कि भैया सारा डेटा कोलकाता का है कि नहीं, अरे दूध एक ही दुवाला का है कि नहीं, या दूध को अलग अलग मिक्स कर दिया, मिक्स करने से देखो गड़बड़ हो जाएगा भाई। जैसे क्वालिटी ए, क्वालिटी बी, क्वालिटी सी, तीन क्वालिटी का आइसक्रीम बनाते हैं हम लोग, क्यों? अरे भैया ये 25 रुपया देता है, ये 20 रुपया देता है, ये 15 रुपया देता है, तो इसमें मलाई ज़्यादा है, इसमें पिस्ता ज़्यादा है, इसमें कुछ भी नहीं है। सो हर एक ही क्वालिटी का रखेंगे ना, अगर मिक्स कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो होमोजीनियटी मतलब 25 रुपये वाला क्वालिटी 25 रुपये का, 20 रुपये वाला 20 रुपये, 15 रुपये वाला 15 रुपये, एक ही क्वालिटी जगह। सो वंस द डेटा आर कलेक्टेड एंड वेरीफाइड फॉर देयर होमोजीनियटी एंड कंसिस्टेंसी, वी नीड टू प्रेजेंट देम इन अ नीट एंड कॉन्डेंस्ड फॉर्म, हाईलाइटिंग द एसेंशियल फीचर्स ऑफ द डेटा। तो नीट होना चाहिए, कंडेंस्ड होना चाहिए, ठीक है, जैसे एकदम अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन होना चाहिए, और उसके एसेंशियल फीचर्स, जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं, ये नहीं कि इम्पॉर्टेंट बात को ही उड़ा दो, ठीक है, इम्पॉर्टेंट बात रहना चाहिए। अब जैसे हम एक स्टूडेंट का देख रहे हैं, और समझ लो इंग्लिश का मार्क्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये पूरा डेटा कलेक्ट कराए हैं, क्योंकि एक जॉब हमको देना है, उस बच्चे को देना जिसका इंग्लिश 90% के ऊपर है। तो मैं बोला भाई अपने टीम मेंबर को कि मेरे को सारे स्टूडेंट्स का डेटा दो, और ख़ास करके इंग्लिश के मार्क्स का डेटा चाहिए इनको। अब वो प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छा किया, सारे सब्जेक्ट्स का मार्क्स दिया, और इंग्लिश का मार्क्स दिया ही नहीं, तो इम्पॉर्टेंट डेटा जो था उसको उड़ा दिया। अरे भैया क्या करें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो हाईलाइटिंग, अगर मेरे को इंग्लिश का इम्पॉर्टेंट था तो हाईलाइटिंग द एसेंशियल फीचर ऑफ द डेटा, तो हाईलाइट कर देगा ना कि सर आपको जो चाहिए था वो हाईलाइटेड है, तो मेरा नज़र जो सीधा वहाँ पहुँचेगा खोजने। देखो क्या होता है ना, हाई लेवल का काम है, अब तुरंत मेरे नज़र को वहीं पर पहुँचाना है, तो हाईलाइट करना है। एनी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इज डिपेंडेंट ऑन अ प्रॉपर प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा अंडर कंसिडरेशन। बहुत बड़ा डेटा है यार, तो खोजने के लिए इतना वक्त नहीं है, तो प्रेजेंटेशन सही रखो, जो चाहिए उसको आगे रखो, जो नहीं चाहिए उसको पीछे रखो, उसको मिक्स एंड मैच करो। जब बहुत बड़ा डेटा के साथ, देखो एक्सेल शीट में जब बैठोगे तो समझ में आएगा। सो अब आइए बात करते हैं, प्रेजेंटेशन के साथ साथ हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। आप समझ लो मेरे को सैलरी का कैलकुलेशन चाहिए, तो सैलरी का पूरा डेटा अलग से हाईलाइट हो जाएगा। मेरे को ट्रांसपोर्टेशन का चाहिए, ट्रैवलिंग का चाहिए, जो जो चाहिए उसको ऑर्डर में मेरे को चाहिए, कौन सा ईयर का चाहिए, क्या चाहिए, कैसे चाहिए। सो क्लासिफिकेशन ऑफ, क्लासिफिकेशन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, इट मे बी, एक मिनट रुकिएगा दोस्त, एक नया इंक लेता हूँ मैं। इट मे बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स अंडर कंसिडरेशन। अब जैसे मेरे को सिर्फ सैलरी का हिसाब किताब चाहिए, तो पूरा डेटा को हमको सैलरी के हिसाब से दो, इनटू नंबर ऑफ ग्रुप्स और क्लासेस अकॉर्डिंग टू द सिमिलैरिटीज ऑफ द ऑब्जर्वेशन।
फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, डेटा को क्लासिफाई करना है। इट पुट्स द डेटा इन अ नीट प्रिसाइज एंड कंडेंस्ड फॉर्म सो दैट इट इज ईजली अंडरस्टूड एंड इंटरप्रेटेड। ठीक है जी। इट मेक्स कंपेरिजन पॉसिबल बिटवीन वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स इफ नेसेसरी एंड देयर बाय फाइंडिंग द एसोसिएशन और लैक ऑफ इट बिटवीन दैम। अगर किसी दो डेटा का एसोसिएशन है तो भी उसको उसी तरीका से करो कि समझ में आ जाए। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इज पॉसिबल ओनली फॉर द क्लासिफाइड डेटा। जिस डेटा को हमने अच्छे से क्लासिफाई कर लिया अब उसी का हम एनालिसिस करेंगे। अब जो इसका क्लासिफिकेशन के बाहर है उसको डाला ही नहीं हमने, जैसे डेटा कलेक्शन का ये पेपर्स है, ठीक है, एन्यूमरेटर गया डेटा कलेक्ट किया, ये अलग अलग पेपर है। अब यहाँ अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, अब इस सारे इन्फॉर्मेशन को हमने एक टेबुलर फॉर्म पे बनाया। अब इसका समझ लो एक इन्फॉर्मेशन, हर एक का जो रेड वाला इन्फॉर्मेशन था उसको हमने लिया ही नहीं यहाँ पर, तो जब लिया ही नहीं तो उसको हम क्लासिफाई किए ही नहीं हम, तो उसको एनालिसिस भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी। इट एलिमिनेट्स अननेसेसरी डिटेल्स एंड मेक्स डेटा मोर रेडली एंड अंडरस्टैंडेबल। तो बहुत सारा चीज़ जो हमने नहीं लिया क्योंकि दरकार नहीं था, ठीक है, तो उसको हमने हटा दिया। अब डेटा को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं हम लोग? डेटा को क्रोनोलॉजिकल और टेम्पोरल और टाइम सीरीज डेटा में क्लासिफाई कर सकते हैं, ये सब आगे पढ़ेंगे हम लोग, या ज्योग्राफिकल और स्पेटियल सीरीज डेटा में हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, क्वालिटेटिव और ऑर्डिनल डेटा में क्लासिफाई कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव और कार्डिनल डेटा में क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये टेम्पोरल, स्पेटियल सीरीज, ऑर्डिनल, ऑर्डिनल एंड कार्डिनल तो मेरे ख्याल से हमने इकोनॉमिक्स में आपको समझा रखा है, तो नहीं भी समझ में आ रहा तो थोड़ा सा वेट करिए। व्हेन द डेटा आर क्लासिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ सक्सेसिव टाइम पॉइंट्स और इंटरवल्स दे आर नोन एज टाइम सीरीज डेटा। तो समझ में आया टाइम सीरीज क्या है? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियर्ड फॉर सी ए फाइनल फॉर द लास्ट 20 ईयर्स, द प्रोडक्शन ऑफ अ फैक्ट्री पर मंथ फ्रॉम 2000 टू 2015 एटसेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ टाइम सीरीज डेटा। अब मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। टाइम सीरीज, अभी बोलते हैं ना इंडिया पाकिस्तान का सीरीज मैच है, सीरीज मतलब क्या, 1 2 3 तीन सीरीज का मैच है, तो टाइम सीरीज मतलब क्या, समय जो है समय को हम बांटेंगे, जैसे एवरी मंथ, एवरी क्वार्टर, और ये एवरी क्वार्टर फॉर लास्ट 3 ईयर्स, ठीक है, तो एवरी क्वार्टर मतलब हर साल का चार चार और तीन साल का, तो वो एक एनालिसिस निकलेगा। जैसे अगर मैं बोलता हूँ भैया मेरे को सेल्स रिपोर्ट चाहिए, सेल्स रिपोर्ट एवरी क्वार्टर फॉर लास्ट 5 ईयर्स, तो एवरी क्वार्टर का ठीक है ये 2014, 15, 16, 17, 18, ठीक है सर, अभी तो 18 का पूरा क्वार्टर ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है भाई, तो ये यहाँ तक का ही आएगा। क्लियर, वेरी गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। ओके, डेटा अरेंज रीजन वाइज आर नोन एज ज्योग्राफिकल डेटा। इफ वी अरेंज द स्टूडेंट्स अपियर्ड फॉर सीए फाइनल इन द ईयर 2015 इन अकॉर्डेंस विद डिफरेंट स्टेट्स देन वी कम अक्रॉस ज्योग्राफिकल डेटा। तो मेरे को नहीं लगता कि इसमें कुछ समझाना है। डेटा क्लासिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट याद है, मेल, फीमेल, नेशनैलिटी, ठीक है, अभी हमने पढ़ा था थोड़ा देर आगे, आर रेफर्ड टू एज क्वालिटेटिव डेटा। तो एट्रीब्यूट एंड क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव सब पढ़ा हमने, याद है। डेटा ऑन नेशनैलिटी, जेंडर, स्मोकिंग हैबिट ऑफ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ क्वालिटेटिव डेटा। लास्टली, व्हेन द डेटा आर क्लासिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ वेरिएबल से हाइट, वेट, प्रॉफिट्स, सैलरीज एक्सेट्रा, दे आर
नोन एज क्वांटिटेटिव डेटा। तो क्वांटिटेटिव में याद अपने को ये हाइट, वेट, प्रॉफिट, सैलरीज, ये सब कहीं ना कहीं कंटिन्यूअस था। क्वांटिटेटिव डेटा में अगर मैं आपसे पूछूं मेरे दोस्त, तो क्वांटिटेटिव डेटा में एक था डिस्क्रीट डेटा और एक था कंटिन्यूअस डेटा। ओहो, याद आया मेरे को, ये डिस्क्रीट वाला वो एक लाइन मैंने छोड़ दिया था ना, हो कि मैं बाद में समझाऊंगा, कहाँ गया वो। यस, यव यार, क्या समझाना था? जो समझाना था सिर्फ मैं उसको छोड़ रहा हूँ। ये बड़ा ही खतरनाक लाइन था। इस लाइन को पढ़िए, आपको लगेगा कि अरे ये हो क्या रहा है। डिस्क्रीट का मीनिंग है, डिस्क्रीट का मीनिंग क्या है? काउंटिंग, जिसको अपने काउंट कर सकते हैं, डिस्क्रीट है वो, राइट। यहाँ क्या लिख रहा है देखिएगा प्लीज। काउंटेबली इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइसोलेटेड वैल्यूज। इनफाइनाइट नंबर जो है, देखो दोस्त, इनफाइनाइट, यहां वर्ड जो कैच करना है वो ये वर्ड है, काउंटेबली। काउंटेबली का मतलब क्या है? एक तो बोलता कि इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट का मतलब क्या है? इनफाइनाइट मतलब जो कभी खत्म नहीं होगा, राइट। अब भैया मेरा बात को समझो, कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है, बट मैं काउंट करके रहूंगा, मैं काउंटिंग करता रहूंगा, नंबर चलता रहेगा, मेरा काउंटिंग भी चलता रहेगा। आया बात समझ में? तो काउंटेबली इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइसोलेटेड वैल्यूज, मतलब कुल मिला के जो डिस्क्रीट जो है, डिस्क्रीट का मतलब क्या, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। तो भले ही नंबर इनफाइनाइट हो, बट मैं काउंटिंग को जारी रखूंगा, मैं काउंटिंग जारी रखूंगा, नंबर चलते रहेगा, मेरा काउंटिंग चलते रहेगा, नंबर चलते रहेगा, मेरा काउंटिंग चलते रहेगा। तो इसका मीनिंग ये है, हालांकि लिखा हुआ तो मैंने समझा दिया, बट अपने को जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो समझना है, डिस्क्रीट मतलब जिसको हम काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ काउंटेबल इनफाइनाइट लिखा है, अगर यहाँ लिखा होता नॉन काउंटेबल, तो नॉन काउंटेबल मतलब ये जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, और अगर हम काउंट नहीं कर सकते हैं तो वो डिस्क्रीट नहीं है। तो इसीलिए बताओ, देखो डिस्क्रीट का मीनिंग, देखो टेक्स्ट बुक में तो जब मीनिंग लिखना है तो भाई कोई भी कुछ क्वेश्चन कर सकता है, तो हर चीज समझाना होगा। सो नॉन काउंटेबल मतलब जो उसको काउंट ही नहीं कर सकते। अब नॉन काउंटेबल वर्ड लिखता तो भाई काउंट नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते तो नॉन डिस्क्रीट हो गया, डिस्क्रीट है ही नहीं है। तो डिस्क्रीट का मतलब है काउंटेबल, और काउंटेबल का मतलब है इनफाइनाइट नंबर्स तक भी काउंट करना है तो हाँ जी करना है, तो काउंटिंग चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, खत्म ही नहीं होगा। बट जो भी हो, खत्म हो या नहीं हो, डिस्क्रीट तो है, हाँ जी है। तो टेक्निकली लॉजिकली इट इज डिस्क्रीट। और डेटा को कैसे क्लासिफाई करते हैं? डेटा मे बी फर्दर क्लासिफाइड एज फ्रीक्वेंसी डेटा एंड नॉन फ्रीक्वेंसी डेटा। तो ये नया क्लासिफिकेशन बाजार में आया, एकदम ताज़ा ताज़ा बन के, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डेटा एंड नॉन फ्रीक्वेंसी डेटा। The qualitative as well as quantitative data belong to the frequency group, whereas time series data and geographical data belong to the non-frequency group. तो प्लीज समझिएगा। सो अब बात हो गया है फ्रीक्वेंसी डेटा, नॉन फ्रीक्वेंसी डेटा। तो फ्रीक्वेंसी डेटा के लिए बोला जा रहा है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, नॉन फ्रीक्वेंसी के लिए बोला जा रहा है टाइम सीरीज, ज्योग्राफिकल, ठीक है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है ये अपने को समझना होगा, ये अपने समझ लेंगे। तो पहले तो अपने को ये धीरे धीरे चीजों को दिमाग में डालो। मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा,
अब अपने को कैसे डेटा को प्रेजेंट करना है या कैसे कर सकते हैं, कैसे करते हैं। नाउ वी कंसिडर द फॉलोइंग मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। एक तो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, जैसे मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले कि अपने सलवार भी पहनते हैं, साड़ी भी पहनते हैं, अलग अलग ड्रेस कोड में अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, तो सेम डेटा को हम टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन करें या टेबुलर प्रेजेंटेशन करें या डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करें। तो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन के बारे में समझते हैं। समय कितना है अभी अपने पास है? 8-9 मिनट है, सो आइए कंटिन्यू रखते हैं। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, तो टेक्सचुअल नाम से ही समझ में आ रहा कि ये टेक्स्ट रिलेटेड है। दिस मेथड कंप्राइजेस प्रेजेंटिंग डेटा विद द हेल्प ऑफ अ पैराग्राफ और अ नंबर ऑफ पैराग्राफ्स। तो टेक्स्ट लिखते हैं तो पैराग्राफ में कन्वर्ट हो जा रहा है। द ऑफिशियल रिपोर्ट ऑफ एन इंक्वायरी कमीशन इज़ यूजली मेड बाई टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। अब किसी के ऊपर कोई इंक्वायरी चल रहा था तो उसको अपने फिगर्स में तो डालते नहीं है कि भैया इंक्वायरी क्यों हुआ, किस डेट पे हुआ। एक पैराग्राफ में इंक्वायरी जब स्टार्ट हुआ तो कौन सा टीम था, ये एक दूसरे पैराग्राफ में। इंक्वायरी करते समय क्या समझ में आया, तीसरे पैराग्राफ में। फाइनल कंक्लूजन क्या है, चौथे पैराग्राफ में। फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। अब ये एग्जाम्पल अगर आप बोलो तो हम छोड़ देते हैं, ठीक है। ये आप लोग प्लीज़ कुछ तो छोड़ना होगा, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये आप लोग सेल्फ रीड करेंगे प्लीज़, ठीक है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये आप लोगों को सेल्फ रीड करना है, क्योंकि टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन इज जस्ट लाइक रीडिंग अ टेक्स्ट। कोई भी कहानी है, इसको कहानी को मेरे को पढ़ के सुनाने का कोई मतलब बनता नहीं आपके लिए, तो ये आप लोग सेल्फ रीड करोगे मेरे दोस्त। टेबुलर प्रेजेंटेशन का बात करते हैं नेक्स्ट। टेबुलर प्रेजेंटेशन और टेबुलेशन। टेबुलेशन में भी डिफाइंड एज अ सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा विथ हेल्प ऑफ अ स्टैटिस्टिकल टेबल हैविंग अ नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अब ये रो एंड कॉलम बहुत लोगों को अभी भी कंफ्यूज रहता, मेरे को भी बहुत हद तक कंफ्यूज था मैं, बट मैंने तो अपना कंफ्यूजन को दूर कर दिया दी। अब देखो कॉलम जो है ना, जब भी कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट्स होता है तो उसमें ये बोला जाता कि ये बड़े बड़े कॉलम्स हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन साइट में ऐसे कॉलम बोले जाते हैं, तो ये कॉलम मतलब ही अपने को समझ में आ गया कि बड़े बड़े पिलर्स हैं। और रो जो है, जब भी अपने सिनेमा हॉल में जाते हैं ना, तो सिनेमा हॉल में वो टिकट चेकर पूछता है कौन से रो में हो, तो ये ऐसे बड़े बड़े लाइन होते हैं। ऐसे बड़े बड़े लाइन होते हैं क्या, नहीं होते हैं? कौन सा सीट नंबर है, ऐसे, तो ये रो हो गया। अगर और भी नहीं समझ में आ रहा तो मेरे पास और भी तरीका आपको याद दिलाने का, हमेशा के लिए, जिंदगी में भूलोगे नहीं। रो मतलब अगर अपने हिंदी में आ रहा है तो रो क्यों रहा भाई, रो रहा है। तो रोने के लिए दोस्त, रोने के लिए आंखें चाहिए होती है, टप टप आंसू गिर रहे हैं। अब ये जो रो है, रो आँख से रहते हैं हम लोग आँख, तो ये देखो ये इस तरीके से जो है, ये आईज जो है ऐसे है। और क्यों रो रही है ये, इसका एक ही कहना है, आई एम मिसिंग हिम, कॉल हिम, कॉल हिम, कॉल हिम। तो ये किसके लिए रो रही है, कॉल हिम। कॉल से अपने को याद आएगा कॉलम, कॉलम, ठीक है। तो ये रो रही है और कॉलम कॉलम कर रही है, ठीक है। तो भाई ध्यान रखिएगा, रो एंड कॉलम में कोई कन्फ्यूजन कभी नहीं होना चाहिए आगे से। सो टेबुलर प्रेजेंटेशन और टेबुलेशन का बात कर रहे हैं, इसमें हम लोग डेटा प्रेजेंट करते हैं दोस्त, हैविंग अ नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स।
एंड कंप्लीट विथ रेफरेंस नंबर, टाइटल, डिस्क्रिप्शन ऑफ रोल्स एज वेल एज कॉलम्स एंड फुट नोट्स इफ एनी। ठीक है, वी मे कंसिडर द फॉलोइंग गाइडलाइंस फॉर टेबुलेशन। अब टेबुलेशन को जो प्रेजेंट करना है उसके लिए कुछ गाइडलाइंस दिया जा रहा है आपको। अ स्टैटिस्टिकल टेबल, अ स्टैटिस्टिकल टेबल शुड बी अलॉटेड अ सीरियल नंबर अलॉन्ग विद अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टाइटल। तो एक सीरियल नंबर देंगे हम लोग कि ये कौन सा सीरियल नंबर है, और उसका कुछ टाइटल देंगे कि भाई जो अपने आप समझ में आ जाए। अगर किसी जूनियर बच्चों का है, केजी से टू तक का बच्चों का कुछ टेबल है, तो जूनियर केजी टू टू टाइटल हो गया। द टेबल अंडर कंसिडरेशन शुड बी डिवाइडेड इंटू कैप्शन, बॉक्स हेड, स्टब एंड बॉडी, इसको अपने को देखना होगा। ठीक है, कैप्शन इज द अपर पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइबिंग द कॉलम्स एंड द सब कॉलम्स इफ एनी। द बॉक्स हेड इज द एंटायर अपर पार्ट ऑफ द टेबल इंक्लूड्स कॉलम्स एंड सब कॉलम्स, नंबर्स, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स अलॉन्ग विद कैप्शन। स्टब इज द लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल प्रोवाइडिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ द रोज। द बॉडी इज द मेन पार्ट ऑफ द टेबल दैट कंटिन्यूज द न्यूमेरिकल फिगर्स। तो इसको आपको जब लाइव एग्जाम्पल दिखाएंगे तब अपने को पूरा देख लेंगे कि किसको किसको क्या बोल रहे हैं। ये बस रीड कर लिया है तो इस पर ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, आगे बढ़ते हैं, बढ़ते चलिए। द टेबल शुड बी वेल बैलेंस्ड इन लेंथ एंड ब्रेथ। द डेटा मस्ट बी अरेंज्ड इन अ टेबल इन सच अ वे दैट कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट फिगर्स आर मेड पॉसिबल विदाउट लेबर एंड टाइम। ऑल्सो द रोज टोटल्स, कॉलम टोटल्स, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट मस्ट बी शोन। तो ऑल्सो द रो टोटल, सॉरी, कॉलम टोटल्स एंड द यूनिट ऑफ मेजरमेंट शुड बी शोन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम लोग कुछ भी टोटल दिखा रहे हैं तो रो का टोटल दिखा दो, ये हो गया कॉलम का टोटल, और ये हो गया रो का टोटल, और ये किस यूनिट पे है, ये डॉलर पे है, रुपी पे है, सेंटीमीटर पे है, मीटर पे है। अगर ये सब इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा तो ये पूरा बेकार हो गया बनाना। द डेटा शुड बी अरेंज्ड इंटेलिजेंटली इन अ वेल बैलेंस्ड सीक्वेंस एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन द टेबल शुड बी अपीलिंग टू द आईज एज फार एज प्रैक्टिकेबल। मतलब देख कर देखो, ये है ना, अब ये टेबुलर फॉर्म बना के अच्छे से पूरा बना के देखने वाले को अच्छा लगना चाहिए, इनवाइटिंग लगना चाहिए, अपीलिंग लगना चाहिए कि चलो भाई कितना मेहनत किया किसी ने। तो इसको ये मेहनत किसके लिए किया, मेरे लिए किया, ताकि मैं आसानी से देख सकूँ। नोट्स डिस्क्राइबिंग द सोर्स ऑफ डेटा एंड ब्रिंगिंग क्लैरिटी एंड इफ नेसेसरी अबाउट एनी रोज ऑन कॉलम्स नोन एज फुट नोट शुड बी शोन इन द बॉटम पार्ट ऑफ द टेबल। तो फुट नोट्स वगैरह भी देना कि चलो ये इस पर यह परसेंटेज है, ये कैलकुलेशन है, इस पर कुछ डिविएशन है, तो वो अलग से बता दिया जाता है। द टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा रिलेटिंग टू वर्कर्स ऑफ रॉय एनामल फैक्ट्री इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल। अच्छा, तो दोस्त आज के लिए समय समाप्त हो रहा है, ठीक है, तो आज के लिए इसको रोकते हैं, बट आप लोग घर पे प्लीज़ इसको कंटिन्यू रखिएगा। मेरे ख्याल से रॉय एनिमल फैक्ट्री का जो ऊपर का जो इन्फॉर्मेशन जो हमने नहीं पढ़ा है, शायद ये कंटिन्यूटी में यहाँ पर आ गया है, ठीक है, टेक्सचुअल, हाँ, तो शायद अगर दरकार पड़ा तो हम लोग इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में और इसको फॉलोअप करेंगे। सो अपना ख्याल रखिएगा, आई लव यू ऑल, एंड प्लीज़ इंस्टीट्यूट के मटीरियल को पूरा रिस्पेक्ट करिए। समय ज़्यादा लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, समय इन्वेस्ट करके नॉलेज मिल रहा है, नॉलेज मिल रहा है तो अच्छा जॉब मिलेगा। अगर डिग्री है और नॉलेज नहीं है तो बेकार हो गया सब कुछ। इसका मतलब क्या, आपका मेहनत बेकार, और आपने जितने भी ट्यूशन फीस सबको दिया है, डिग्री ले लिया जैसे तैसे, अल्टीमेटली जॉब नहीं मिल रहा है। सो प्लीज़ अपना दिमाग को इस्तेमाल करिए, एंड थैंक यू वेरी मच, आई लव यू ऑल।